नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन की जमानत याचिका भी रद्द कर दी गई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही। पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत है। खबर यह भी मिल रही है कि कुछ वक्त पहले शिल्पा शेट्टी के घर छापेमारी करने गई क्राइम ब्रांच के आगे एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा को जमकर फटकार लगाई थी। शिल्पा ने राज से गुस्से में पूछा, आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? 23 जुलाई को माया नगरी में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के घर रेड मारने पहुंची थी। उस वक्त क्राइम ब्रांच के साथ राज कुंद्रा भी मौजूद थे। खबरें थी कि अधिकारियों ने राज और शिल्पा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। अब जानकारी मिली है कि उस वक्त अधिकारियों के सामने ही शिल्पा ने राज को जमकर फटकार लगाई थी। शिल्पा ने राज से पूछा था, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? शिल्पा ने राज से ये भी कहा था, तुमने पूरे परिवार की बदनामी करा दी। शिल्पा ने कहा था, अब इस वजह से उनके हाथ से एंडोर्समेंट भी छिन रहे। विवाद के कारण कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हाथ से निकल रहे। पति राज कुंद्रा पर बुरी तरह से झल्लाने के बाद शिल्पा खुद ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। दोनों पति पत्नी के बीच बढ़ते बवाल को देख अधिकारियों को समझौता कराना पड़ा था। खबरें थी कि अधिकारियों ने दोनों पति पत्नी को शांत कराया। इसके बाद जब शिल्पा से पूछताछ शुरू हुई तो शिल्पा अपने पति का बचाव करती हुई नजर आई थी। लगभग 6 घंटे तक शिल्पा से चली पूछताछ में उन्होंने राज कुंद्रा का फेवर लेते हुए कहा था कि वो इरोटिक फिल्म्स बनाते हैं, पॉर्न नहीं। राज कुंद्रा के वकील ने भी ये दावा किया कि पुलिस ने अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी की। राज कुंद्रा की फिल्में इरोटिका है और ऐसे में उन पर IT एक्ट की धारा 67A नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि भले ही राज के समर्थन में उनकी पत्नी, वकील गहना वशिष्ठ, राखी सावंत और मीका जैसे सितारे आ गए, लेकिन मुंबई पुलिस भी पूरा होमवर्क करके बैठी। पुलिस का दावा है कि राज को गिरफ्तारी की भनक लग गई थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना पुराना मोबाइल कहीं फेंक दिया था ताकि उससे कुछ बड़ा खुलासा ना हो सके। खैर, आपको बताते चलें कि पुलिस ने राज के ऑफिस में भी छापेमारी की थी, जहां से 48 TB के वीडियो डेटा मिले। इनमें कई अश्लील फिल्में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कई फाइलों को समय से पहले डिलीट किया गया है, जिसको लेकर राज कुंद्रा से अब मुंबई पुलिस सवाल जवाब करेगी। बहरहाल फिलहाल तो 14 दिन के लिए कुंद्रा की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कौन से बड़े खुलासे अब होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।